वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। पीएम के जन्मदिन का उपहार, कोरोना पर प्रहार। वैक्सीनेशन के महाअभियान से बना रिकॉर्ड, एक दिन में लगाई गई 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। कोरोना से जंग में भारत के लिए शुक्रवार का दिन अहम रहा। तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत ने वो उपलब्धि हासिल की जो महामारी को मात देने के लिए सबसे बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, जहां पीएम 71 साल के हो गए, तो वहीं बीजेपी ने इस जश्न को देश को समर्पित किया और वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया। एक ही दिन में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डोज दी गई है। कोविन के जरिए मिली जानकारी। वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण होने की जानकारी मिली। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण की संख्या पर हर भारतीय को गर्व है। कई छोटे देशों से आगे निकल गया भारत। वैक्सीनेशन अभियान में देश की उपलब्धि काफी अहम मानी जा रही है। यहाँ तक कि कई छोटे देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा के आंकड़े में टीके भारत ने सिर्फ एक ही दिन में लगा दिए। न्यूजीलैंड जैसे देशों की जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा टीके देश में सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर लग गए। श्रीलंका की कुल आबादी 2,14,00,000 के आसपास है। इस हिसाब से श्रीलंका की कुल जनसंख्या से ज्यादा वैक्सीन भारत ने लगाई है। सुबह से टीकाकरण की रफ्तार काफी तेज थी। महज कुछ ही घंटों के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया गया। शुक्रवार दोपहर 1:40 तक 1 करोड़ आंकड़ा पार कर चुका था, जबकि 1.5 करोड़ तक पहुंचने में सिर्फ 100 मिनट का वक्त लगा। इसके बाद शाम 4 बजे तक ये आंकड़ा 1.25 करोड़ तक पहुँच गया था। खास बात यह कि भारत लगातार वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ला रहा है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो न सिर्फ हम कोरोना की तीसरी लहर को मात दे पाएंगे, बल्कि जल्द ही मास्क फ्री भी हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज राष्ट्र।